सरल जापानी YouTube चैनल से प्रस्तुत है आओ सीखें जापानी आप सभी को सुजय चटर्जी का नमस्कार और स्वागत है पार्ट 19 में इन दिनों हम कांजी चिन्हों का अध्ययन कर रहे हैं जापान के विद्यालयों में कक्षा एक में पढ़ाए जाने वाले 80 कांजी प्रतीकों की हम चर्चा और अध्ययन कर रहे हैं और पिछले पार्ट तक हम 30 प्रतीकों का अध्ययन कर चुके हैं आज 19वीं कड़ी यानी कि 19वें पार्ट में हम इससे आगे बढ़ेंगे और 31 से लेके 40 तक जो कांजी प्रतीक है यानी कि 10 और कांजी प्रतीकों का अध्ययन करेंगे तो आइए शुरू करते हैं पार्ट 19, कांजी कक्षा एक 31 से 40 तक कुल संख्या 80। आज की शुरुआत हम कर रहे हैं संख्या 8 से ये 8 संख्या की कांजी है उनमी में इसे कहते हैं हाची या हथस कुन्योमी में या यात्सु या फिर यो भी प्रयोग में लाया जा सकता है परिप्रेक्ष्य के हिसाब से कुन्योमी में इसके जो यूसेज हैं वो है संख्या आठ या हची उसके बाद जू हाची यानी कि अठारह हाची यानी बांस की बनी हुई एक प्रकार की बांसुरी जो जापान में पाई जाती है और इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि चोषण द्वारा पुरुषांग को उत्तेजित करना कुनियोमी में हम हची वही आठ संख्या आठ और या अगर हम कहें तो उसका अर्थ होता है बहुपरती यानी कि मल्टीलेयर्ड और दुगुनी करना यानी कि टू डबल उसके बाद यात्सु यानी कि आठ या आठ वर्ष की आयु ये एक आठ वर्ष आयु के काउंटर के लिए इसका प्रयोग होता है सो का तो यानी कि आठ वर्ष की आयु और यात्सु आतारी यात्सु आतारी का अर्थ है किसी और का गुस्सा किसी और पर उतारना ये अपने आप में एक रेडिकल है यानी मौलिक चिन्ह है और ये इसका स्ट्रोक ऑर्डर है अब हम देखते हैं कि ये चिन्ह कहाँ से आया कैसे विकसित हुआ तो ये जो चिन्ह है इससे साफ पता चल रहा है कि ये जो दो रेखाएं हैं ये किसी वस्तु को दो भागों में विभाजित करने को दर्शा रहा है ये इस चिन्ह का मौलिक अर्थ था लेकिन बाद में इस चिन्ह का प्रयोग आठ के लिए होने लगा हमनामी या होमोनिमी की वजह से यानी कि जो हच्ची या जो हा शब्द है उसका अर्थ आठ है और इस वजह से इस चिन्ह को आठ के लिए प्रयोग में लाया जाने लगा चलिए अब दूसरे चिन्ह पर आते हैं ये छे का प्रतीक है और अब आप सोच रहे होंगे कि हमने आठ पहले क्यों लिया और छह बाद में क्यों लिया वो इस वजह से क्योंकि ये जो चिन्ह है इसका जो रेडिकल है वो आठ के रेडिकल से आया है तो वो हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे उससे पहले इसकी जानकारी आपको दें उनमी में कहते हैं रोकू आपको पता है हमने गिनती के लेसन में किया था रोकू और ये किसी किसी शब्द में रिकू के रिकु नाम से भी आ सकता है में मुत्सु मुत्सु या मुईमी में रोकु यानी छे साई रोकु यानी बच्चा शिशु बउवा छोकरा कांसाई जगह का व्यक्ति रिकुकान रिकुकान का अर्थ है जो राजवंश के छे मंत्रालय ये जो राज राजवंश यानी की जो जो डायनेस्टी है चीन की उसके बारे में कहा गया है रोक्की रोक्की का अर्थ है छह भावनाएं यानी प्रसन्नता क्रोध दुख सुख प्रेम और घृणा रोकू यानी छह कुण्यों में भी वही मीनिंग है उसके बाद है मुजुकाशी मुजुकाशी का अर्थ है कठिन मुश्किल परेशान करने वाला जटिल गंभीर यानी कि गंभीर बीमारी या कोई गंभीर समस्या आदि मुत्सु मुत्सु का अर्थ है छह या छह वर्ष की आयु ये जैसे कि हमने कहा आठ के रेडिकल से आया है और ये इसका स्ट्रोक ऑर्डर है और आप देख सकते हैं ये जो हम दर्शा रहे हैं एक हाथ से यह है गिनती करने का चीनी तरीका तो चीनी गिनती में इस तरह से हाथ को दिखाया जाता है जब हम छे की गिनती करते हैं और इसी से इस चिन्ह की उत्पत्ति हुई है अगली कांजी है सात की जिसे हम ओन्योमी में शिची कहते हैं और कुन्योमी में नाना शब्द के अनुसार और प्रयोग के अनुसार इसे नानात्सु या नानो भी कहा जा सकता है ओन्योमी में इसका अर्थ है शिची का अर्थ है सात और इसके इसे हम जोकुशिची भी कहते हैं जोकुशिची यानी कि संगीत का प्रभावी सातवातार यानी कि सेवेंथ कॉर्ड जो हम कहते हैं शिची यानी सात दाइनाना का अर्थ है सातवां या उसके बाद है नानत्सु यानी कि सात वर्ष की आयु और उसके बाद है नानात्सु ओबिया रुमादिरो, नानात्सु ओबिया रुमादिरो, इसका अर्थ है सेवन बैंडेड आर्माडिलो और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है सिंक्टस ये एक, की, एक के रेडिकल से ये आया है और ये इसका स्ट्रोक ऑर्डर है दो स्ट्रोक्स में ये लिखा जाएगा और ये चिन्ह सात के लिए कैसे इसे चुना गया इसमें अभी थोड़ा संशय है इसलिए इसकी इसका जो उत्स और उद्भव है उसके बारे में हम स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते है. चौतीसवा कांजी ये है संख्या नौ कुन, आ, में इसे कहते हैं क्यू या कु और कुन्योमी में कोकोनो या कोकोनोत्सु क्यू यानी कि नौ या संख्या नौ क्यूशु यानी जापान के चार प्रमुख द्वीपों में दक्षिणतम द्वीप क्यूशु आइलैंड्स चोक्यो चोक्यो का अर्थ है चंद्रमल्लिका फूलों का उत्सव यानी कि क्रिसंतिम फेस्टिवल जो नौवे महीने का नौवा दिन होता है उस दिन ये मनाया जाता है और कुकु को हम मल्टीप्लीकेशन टेबल यानी कि जिसे हम हिंदी में पहाड़ा कहते हैं तो पहाड़ा या कुकु जापानी में क्यू कोन्योमी में यानी नौ और कोकोनोए का अर्थ है नौ गुना या शाही राजमहल कि राजमहलियल पैलेस या फिर न्यायालय कोर्ट और कोकोनोत्सु का अर्थ है नौ वर्ष की आयु ये सेकंड रेडिकल से आया है और ये इसका स्ट्रोक ऑर्डर है ये भी दो स्ट्रोक्स में लिखा जाएगा और ये देखिए ये चिन्ह कहां से आया है ये फिर से जापानी चीनी गिनती का तरीका है जैसे इस तरह से हम हाथ को करते हैं नौ को दर्शाने के लिए और इसी से इस चिन्ह की उत्पत्ति हुई है तो अब तक हमने इससे पहले के पाठों में हमने एक से पांच तक और दस ये छह चिन्ह हमने किए थे एक दो तीन चार पांच और दस और आज के पाठ में हमने छ सात आठ नौ किया तो इस तरह से एक से लेकर दस तक की कांजी का अध्ययन पूरा हुआ तो एक बार हम जल्दी जल्दी इसकी पुनरावृत्ति कर लें। इची, नी, सान, योन, गो रोक् शिची हची, क्यू जू अब हम आगे बढ़ते हैं ये सौ की कांजी है ह्याकु, में कहते हैं और कहीं कहीं पे का भी प्रयोग किया जाता है जैसे कि जब 300 हम कहेंगे तो ये साम हो जाएगा ना कि सान्याकु कुन्योमी में इसे मोमो कहते हैं ये इसका अर्थ वही है सौ और कुन्योमी में सौ के अलावा इसका अर्थ बहुत सारे भी हो सकता है और अगर हम इसे मोमो कहे तो यानी कि इसका अर्थ होगा ऊंचा ढेर या बहुत बड़ा ढेर बनना यानी कि जैसे हम ह्यूज पाइल या लीप कहते हैं अंग्रेजी में तो वही है ये सफेद रेडिकल से आया है और ये इसका स्ट्रोक ऑर्डर है और ये देखिए इसका उद्भव कैसे हुआ शुरू में ये इस तरह का चिन्ह था धीरे धीरे ऐसे करके इवॉल्व होते हुए ये इस आज के इस आधुनिक चिन्ह पर हम पहुंचे हैं अगली कांजी है हजार की ओन्योमी में इसे कहते हैं सेन यानी हजार और कुन्योमी में इसे कहते हैं जी। तो आप इस सिंबल को देख के आप जो ची जैसे हम लिखते हैं कुन्योमी में उसके साथ इसकी समानता आप पा सकते हैं सेन का अर्थ है एक हजार या हजार उसके बाद जो नाइनटीन हंड्रेड है या बीसवीं सदी उसे देखिए हम कैसे लिख रहे हैं सेन क्यू नेंदाई सेन क्यू नेंदाई उसके बाद यह है इचीन तो सेन इची निन तो सेन यानी कि एक हजार या एक हजार का समतुल्य कुन्योमी में सेन यानी कि हजार और चिशिमा का अर्थ है कुराइल द्वीप समूह और ह्याुसैन का मतलब है बहुत बड़ी संख्या वैसे तो ह्याकुसेन यानी कि सौ और हजार यानी कि लाख लेकिन इसका जो अर्थ है वो बहुत बड़ी संख्या या हर प्रकार का भी हो सकता है एक लाख या लाखों जैसे हम कहते हैं वो भी इसकी मीनिंग हो सकती है ये जो दस का जो रेडिकल है उससे आया है और ये साफ है क्योंकि ये दस का रेडिकल है उससे बना है और ये इसका स्ट्रोक ऑर्डर है देखिए ये कैसे आया है ये व्यक्ति का रेडिकल है और ये व्यक्ति रेडिकल का वेरिएशन है और ये एक एक्सटेंशन है एक विस्तार है ये जो रेखा है इस तरह से ये सिंबल आया है तो पारंपरिक व्याख्या के अनुसार अतिरिक्त क्षैतिज रेखा यानी कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसका विस्तार इस ए, ये एक विस्तार की ओर इंगित करती है और ची का अर्थ एक हजार है सैन का अर्थ एक हजार है क्योंकि गिनती करते समय इस संख्या तक विस्तार से ही पहुंचा जा सकता है तो इस तरह से इसका अर्थ लगाया गया है इस चिन्ह का अर्थ लगाया गया है अगले कांजी की ओर बढ़ते हैं यह है वर्ष या साल यानी कि ईयर। ओन्योमी में कहते हैं नैन कुन्योमी में कहते हैं तोशी नैन का अर्थ है वर्ष साल वर्ष के लिए काउंटर विद्यालय की कक्षाओं के लिए काउंटर एक प्रशिक्षु के अनुबंध की अवधि जो साधारणतः दस वर्ष की होती है उसके बाद नैनकाई नैनकाई का अर्थ है सभा या वार्षिक सम्मेलन या जिसे हम कॉन्फ्रेंस कहते हैं ओनेन का अर्थ है बीते हुए साल या अतितिपास्ट उसके बाद है हेनें, हेनें का अर्थ है गैर अधिवर्ष यानी कि नॉन लीप ईयर औसतन साल एवरेज ईयर और ये औसतन साल किस परिप्रेक्ष्य में वर्षा तापमान फसल आदि के परिप्रेक्ष्य में ये है कुन्योमी में इसके अर्थ तोशी यानी कि साल उम्र या बुढ़ापा भी हो सकता है तोशीया के साल की शुरुआत या वर्ष का आरंभ यानी कि न्यू ईयर उसके बाद ई तोशी का अर्थ है परिपक्व आयु या प्रौढ़ यानी कि ओल्ड एज या फिर एडवांस एज जिसे हम कहते हैं और तोशी का अर्थ है एक बार फिर परिपक्व आयु या प्रौढ़ तो ई तोशी और ओन तोशी आ, कमोवेश एक ही अर्थ दे रहा है यहाँ रेडिकल पेस्टल रेडिकल से आया है ये और ये देखिए इसका स्ट्रोक ऑर्डर इसमें कई सारे स्ट्रोक्स हैं तो ध्यान से देखना जरूरी है छह स्ट्रोक्स में ये पूरा हो जाएगा अब हम देखते हैं कि इस चिन्ह का विवर्तन कैसे हुआ ये पर्सन रेडिकल है आपको पता ही है और ये पर्सन रेडिकल का ही वेरिएंट है और ये चिन्ह ये पर्सन रेडिकल के साथ ये कैसे जुड़ा है और इसके क्या दर्शाता है अपनी पीठ पर फसल का एक बस्ता ढोता हुआ आदमी, है, है ये चिन्ह वर्ष और ये कैसे वर्ष को दर्शा रहा है आधुनिक संस्करण में वर्ष के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया गया है क्योंकि ये वार्षिक कृषि फलन को दर्शाता है तो ये जैसे फसल का बस्ता ढो रहा है और क्योंकि फसल साल में एक बार होती है इस वजह से इस चिन्ह को इस तरह से मॉडिफाई करके साल को दर्शाया गया है दिन महीने साल की पुनरावृत्ति तो पिछले पाठ में हमने ये सूर्य या दिन की कांजी सीखी थी उसके बाद ये चांद या महीने की कांजी और आज हमने ये साल की कांजी सीखी तो इस तरह से दिन महीना और साल जब हमें हम कोई दिनांक या डेट लिखना होगा जापानी में तो इन तीन चिन्हों का प्रयोग हम करेंगे तो आगे आने वाले पाठ में हम जब हम डेट्स की बात करेंगे उस समय हम इन चिन्हों का खूब प्रयोग करेंगे अड़तीसवीं कांजी स्वर्ण या सोना में, में कहेंगे किन या कोन या गोन और कु में काने, काना और किसी किसी शब्द में गाने का भी गाने शब्द भी आ सकता है इसके लिए तो क्या अर्थ है इसका किन का अर्थ है स्वर्ण या स्वर्ण धातु स्वर्ण रंग यानी कि सुनहरा रंग या फिर स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल अत्यंत मूल्यवान वस्तु सुनहरा और सुनहरा जैसे हम अंग्रेजी में कहावत है कि स्पीच इज सिल्वर देन साइलेंस इज गोल्डन तो इस तरह से साइलेंस यानी कि मौन को भी ये दर्शा सकता है शुक्रवार भी दर्शाता है ये चिन्ह कैरेट यानी कि सोने की प्योरिटी का जो पैमाना है कैरेट पुरुषांग के पीछे वीर उत्पन्न करने वाली दो गेंदाकार थलियां यानी कि जो आ, टेस्टिकल्स होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का पार्ट है टेस्टिकल्स ये वही है उसके बाद है कोंगो कोंगो का अर्थ है वज्र या कोई अक्षय वस्तु और इसे इसका प्रयोग हीरा यानी कि डायमंड या फिर कड़ा वज्रतुल्य वज्रपात बिजली गिरना देवराज इंद्र का अस्त्र और बौद्ध धर्म में अक्षय सत्य का प्रतीक इन सभी के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जा सकता है तो इस शब्द को कहते हैं कोंगो उसके बाद कुन्यमी में यह है काने जिसका अर्थ है धन या धातु उसके बाद कानेमोची का अर्थ है धनवान व्यक्ति। उसके बाद कोमा कोमाकाई काने का, का अर्थ है तुच्छ राशि और योगो रिता काने का अर्थ है कालाधन ये अपने आप में रेडिकल है और ये देखिए स्ट्रोक ऑर्डर इसका ध्यान से ये स्ट्रोक ऑर्डर समझना और याद रखना जरूरी है तो आठ स्ट्रोक्स में स्वर्ण की जो ये कांजी है ये लिखी जाएगी शुरू में इस चिन्ह का प्रयोग तांबे के लिए किया जाता था आगे चलकर इसका प्रयोग किसी भी धातु के लिए किया जाने लगा लेकिन आधुनिक युग में इसका प्रयोग अब केवल स्वर्ण को दर्शाने के लिए किया जाता है यानी कि सोना और ये चिन्ह आया है इस तरह से एक प्राचीन जो जो सोने का कोई सिक्का या कोई मोहर होगा जिस पे ये इस तरह का डिजाइन बना है तो ये सोना या कोई मूल्यवान वस्तु का दर्शा रहा है तो वहीं से ये चिन्ह इवॉल्व हुआ है उनतालीसवीं कांची है मिट्टी पृथ्वी या धरती की ये बहुत ही आवश्यक है और उनोमी में इसे कहते हैं दो या तो और कुोमी में सूची अर्थ देखते हैं और इसका जो प्रयोग है वो देखते हैं दो का अर्थ है पंच तत्वों में से एक यानी पृथ्वी धरती भूमि मिट्टी और इसका प्रयोग शनिवार के लिए भी किया जाता है उसके बाद है दोची तोची तोची का अर्थ है जमीन का टुकड़ा या कोई एक जगह या कोई इलाका उसके बाद जोदो जोदो का अर्थ है पावन भूमि या कोई धार्मिक स्थल और तो का अर्थ तुर्की से भी है कुन्योमी में सूची का अर्थ है पृथ्वी मिट्टी धूल धरा धरती भूमि जमीन और स्वर्ग का विलोम यानी कि स्वर्ग का ऑपोजिट दोकाता का अर्थ है दोकाता यानी कि श्रमिक या इमारत बनाने वाला मजदूर और आकत सूची का अर्थ है आकत सूची इसका अर्थ है लाल मिट्टी गहरा लाल रंग या फिर मखराला यानी कि जंग जैसी लाल मिट्टी जो पकाई जा सकती है और गर्म प्रदेशों में सड़कें बनाने के काम में आती हैं यह अपने आप में एक रेडिकल है और तीन स्ट्रोक से इस तरह से ये कांजी लिखी जाएगी और इसे पृथ्वी के लिए क्यों इसका प्रयोग होता है ये देखिए ये कुम्हार की चाक पर मिट्टी का एक ढेला है या पिंड है और इस तरह से ये किस तरह से इवॉल्व हुआ है ये चिन्ह इवॉल्व होते 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 इसने ये रूप धारण किया है और इस तरह से इसे पृथ्वी के लिए इसका प्रयोग किया जाने लगा तो सप्ताह के जो दिन है, और फिर प्राकृतिक जो तत्व है इनकी पुनरावृत्ति करें क्योंकि ये सप्ताह के सात दिन को दर्शा रहे हैं आज के पार्ट में हमने ये दो कांजी सीखी है लेकिन ये जो पांच कांजी हैं ये हमने पहले ही सीखी है पहली कांजी सूर्य या रविवार दूसरी कांजी चंद्र या चांद या सोमवार तीसरी कांजी अग्नि या मंगलवार चौथी कांजी जल या बुधवार वनस्पति या बृहस्पतिवार है पांचवी कांजी और आज हमने सीखी स्वर्ण या शुक्रवार और पृथ्वी या शनिवार तो इस तरह से सप्ताह के सात दिनों के लिए सात कांजी इस तरह से प्रयोग किया जाता है और आज की अंतिम कांजी पर हम पहुंच गए हैं ये है राजा या नृप न्रिप या नृपति में इसे कहेंगे ओ या नो और कुन्योमी नहीं है इसका यानी कि ये पूरी तरह से पूर्ण रूप से चीनी चिन्ह है जिसका जापानी में इसका कोई अलग से कोई आ, कोई शब्द नहीं है इसलिए कुन्योमी में इसका कोई शब्द नहीं है यानी कि राजा नृप शासक सम्राट टाइकून या व्यवसाय प्रमुख रईस धनाढ़ मालिक या वरिष्ठ ओई का अर्थ है सिंहासन या ताज रियो ओ का अर्थ है ये देखिए र्यूओ रियु ओ का अर्थ है ड्रैगन किंग या फिर पदोन्नत हाथी। और डाइयो डाइओ का अर्थ है महान राजा यानी द ग्रेट किंग ये अपने आप में रेडिकल है और ये इसका स्ट्रोक ऑर्डर है ये चार स्ट्रोक्स में इस तरह से लिखा जाएगा अब इसका कैसे हुआ इवोल्यूशन ये है पारंपरिक व्याख्या के अनुसार तीन क्षैतिज रेखाएं तीन क्षैतिज रेखा यानी कि ये जो तीन हॉराजेंटल लाइन्स हैं ये क्या दर्शा रही है ये स्वर्ग है ये मानव है ये पृथ्वी है और ये जो लंबवत रेखा या जो वर्टिकल लाइन है ये राजा को दर्शाता है जो उन तीनों को आपस में जोड़ता है यानी कि स्वर्ग मानव और पृथ्वी को आपस में जोड़ता है प्राचीन चिन्ह में एक महान व्यक्ति या स्वर्ग इस तरह से को एक क्षैतिज रेखा के ऊपर दर्शाया गया है यानी कि ये राजा है यानी कि ये जो जो बिग या ग्रेट रेडिकल था उसे एक हॉरिजेंटल लाइन के ऊपर इसको बिठा के इसे राजा आ, करार दिया गया है और इस तरह से इसके दो मायने निकल सकते हैं एक मायने ये हो गया कि तीन रेखाएं जो हैं स्वर्ग मानव और पृथ्वी को दर्शाते हैं और वर्टिकल लाइन राजा को दर्शा रहा है और दूसरा इसका व्याख्यान हो गया कि एक हॉरिजेंटल लाइन के ऊपर एक विशाल जो रेडिकल है वो बनाया गया है तो दोस्तों यहाँ पे आके पूरी होती है आज आ, पूरा होता है आज का ये पार्ट 19 जिसमें हमने 10 कांजी सीखे 31 से लेके 40 तक अगले पार्ट में हम 10 और कांजी के साथ उपस्थित होंगे तब तक के लिए सुजॉय चटर्जी को अनुमति दीजिए नमस्कार सायोनारा